बहुत बड़ी सफलता मिली है, और जिस समय हमने शुरुआत की थी इसकी, तो उस समय 26 बच्चे आईआईटी में आए थे और हमें बड़ी खुशी थी। अगली बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, और अब की बार जिस प्रकार से धमाका किया, 125 बच्चे आईआईटी में हमारे आए हैं। मैं समझता तो हूँ ये बहुत बड़ी सफलता है, और मैं विशेष रूप से मिश्रा जी, जिनकी देख रेख में सारा काम शुरू हुआ है और जिनके मार्गदर्शन में काम चल भी रहा है, तो पहले तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और उसके साथ साथ जो हमारे सभी टीचर साहबान हैं जो इसमें दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सबको भी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और सभी बच्चों को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की और हरियाणा के नाम को रोशन किया। देखिए, उसके प्रति हरियाणा सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, और माननीय गृह मंत्री जी स्वयं उसको देख रहे हैं। अगर वो कोई भी आदमी है और चाहे कहीं भी है, तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि कोई आदमी विदेश में बैठ के इस प्रकार की कॉल करता है तो थोड़ा टाइम तो उसमें लगेगा। जसवंत सिन्हा, और अगर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से जो लोग अपराधी किस्म के हैं, चाहे भले ही वो वैसे समाज में अपराध करने वाले हों चाहे आर्थिक अपराध करने वाले हों, उनके अंदर भय का वातावरण रहना ही चाहिए। अच्छा है, बिल्कुल होना चाहिए, भय का वातावरण क्यों नहीं होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, गलत काम करेंगे, वो रहना चाहिए। लेकिन हमने किसी के प्रति भी द्वेष के कारण इस प्रकार का कोई काम नहीं किया अभी तक। एक उदाहरण भी अगर वो दे दें कि कहीं इस प्रकार का हुआ तो, और हम ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं जहां कोई कारण नहीं था जिस प्रकार कांग्रेस के टाइम में उनके साथ अन्याय हुआ। तो हमारी सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं करती, और मैं समझता हूँ कि हमारी राष्ट्रपति की जो उम्मीदवार है बहुत योग्य हैं, और बहुत निचले लेवल से और जीवन में संघर्ष करके इस प्रकार की परिस्थितियों में, जिसमें आम तौर पे ज़्यादातर लोग जीवन में टूट जाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में भी उन्हें संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचने का काम किया, तो निश्चित तौर से उनसे कोई भी आदमी जो है उनसे सीख सकता है कि किस प्रेरणा ले सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। तो ऐसी जो प्रेरणा देने वाली शख्सियत है वो अगर हमारी राष्ट्रपति होगी तो निश्चय ही देश के लिए अच्छा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।